इन्वेंटेड टीम विल नॉट अल्टर रियलिटी ऑफ अरुणाचल। तो नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी ग्रेड में आपका स्वागत है। इस वॉल पे हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि आर्टिकल किस बारे में है। तो देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया का हिस्सा है, उसमें 11 ऐसी जगह है जिसमें चाइना ने अपने ही नाम बना के रख दिए है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 11 ऐसी जगह है जिन्होंने चाइना ने अपने चाइनीज नाम रख दिए है। तो ये सब क्यों हुआ है, इस बारे में हम बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आता है और इंडिया ने इसके बाद में इस स्टेटमेंट का क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, चाइना ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है। ये चाइना 1962 से ही क्लेम करते आए हैं, हालांकि उससे पहले से। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आपको तिब्बत का रीजन पता होगा, तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था। तिब्बत के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, देखिए स्पेशली तिब्बत से जुड़ा एक मामला है। तो चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए जो ये रीजन है हम चाइना को ही मिलना चाहिए। और इसी वजह से चाइना जो पुराने असाइनमेंट और जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स वगैरह हुए उन्हें भी नकारता है। इस बारे में हमको आगे बताएंगे। तो इसीलिए चाइना इंडिया की जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की 11 जगहों पे नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि इस पहाड़ का नाम उन्होंने अलग रख दिया, इस नदी का नाम उन्होंने अलग रख दिया। तो देखिए, कुल मिला के तो न्यूज़ इतनी है कि चाइना ने फिलहाल एक स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से कि उन्होंने 11 जगहों पे नाम बदल दिए हैं। तो इंडिया का रिप्लाई उन्होंने ये आया है, कुछ 4 तारीख को इंडिया ने ये रिप्लाई दिया इंडिया ने कि आपको चाइना को उन्होंने जवाब दिया कि आपको जितने नाम रखने रखो, नए नए नाम रखने रखते रहो, आपको एक जगह के 10 नाम रखने तो रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, ये बात इंडिया की तरफ से मेंशन कर दी गई है। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि ये कोई पहली बार होने वाली बात नहीं है। पहली बार चाइना ने नाम नहीं बदले हैं, पहले भी बहुत साल पहले से चाइना नाम बदलते आए हैं। इससे पहले साल 2017 में चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने इसी प्रकार की एक लिस्ट जारी की थी जहाँ पर उन्होंने 6 जगह के नाम बदल दिए थे। उसके बाद 2021 में भी चाइना ने करीबन 15 जगहों के नाम बदल दिए थे, और उसके पहले भी काफ़ी ऐसे किस्से उल्टे सीधे चाइना की तरफ से हुए हैं। तो चाइना लंबे समय से ये सब करते आए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से चाइना और इंडिया के बीच में आपको विवाद देखने ही मिलेंगे। हाल फिलहाल में भूटान का भी एक विवाद हुआ था, उसके बारे में अलग से वीडियो बताएंगे। तो कई बार ऐसा होता रहता है। हालांकि ये सब क्यों हो रहा है और चाइना ये सब क्यों हो रहा है, चाइना इस बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। चाइना एक काफ़ी छोटा देश हुआ करता था, कब्जा कर ही उन्होंने अपने लैंड एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। देखिए, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको अच्छे खासे से पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही हिस्सा है। इंडिया, चाइना और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, इसकी हिस्ट्री क्या है, शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये पूरी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ये पूरी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और बेसिक अवेयरनेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है। तो चाइना ने नाम तो बदल ही दिए, करीबन 11 जगहों के चाइनीज उन्होंने नाम बदल दिए। ये बात हमारे लिए कुछ खास मायने रखती है नहीं, जैसा हमने बताया कि ये इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं 2017 और 2021 में। तो हम ये थोड़ी गहराई समझेंगे कि आखिर इंडिया चाइना में ये इशू है क्या असल में। तो देखिए, आपको मैप दिख रहा होगा, इस तरफ आपको इंडिया देखने मिलेगा और उस तरफ आपको चाइना देखने मिलेगा। तो उनके बीच में बॉर्डर में विवाद है कहाँ पे, ऊपर अक्षय चीन वाला एक रीज़न है जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन चाइना इसके पीछे ही पड़ा हुआ है और चाइना ये कहता है कि ये भी हमारा ही हिस्सा है। और आप इसमें तिब्बत भी आपको दिख रहा होगा, हम बताएंगे आपको, वहाँ पे एक छोटा सा अलग से हिस्सा भी दिख रहा होगा, वो भी चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो तिब्बत देखिए इस तरफ है और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा इस तरफ है। तो पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है चाइना कि ये भी हमारा ही है। तो देखिए, तिब्बत आपको दिख रहा होगा, तिब्बत कहाँ पे आपको तिब्बत हम एरिया शो कर रहे हैं, वो आपका तिब्बत है। तो देखिए, इस ये जो एक तिब्बत ही अलग से देश हुआ करता था, इसको चाइना ने हड़पा लिया। और चाइना का ये कहना है कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों एक ही असल में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए जैसे तिब्बत हमारे पास है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमें ही चाहिए, ऐसा चाइना का कहना है। और जो पुराने जितने भी असाइनमेंट्स हुए हैं, मतलब जो भी फैसले किए गए सरकार द्वारा, उन्होंने उसे नकार दिया।
तो देखिए ये पूरा इश्यू असल में अरुणाचल प्रदेश के जो एक पार्ट है, एक बाउंड्री रहती है जिसे मैकमोहन लाइन कहती है, मैकमोहन लाइन कहते हैं। इस पूरे जो इश्यू चल रहा है मैकमोहन लाइन के पीछे ही चल रहा है। मैकमोहन लाइन क्या है वो आपको दिख रहा होगा, आपको एक मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, इस मैप पे आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। पूरा का पूरा जो घपला चल रहा है ना, ये मैकमोहन लाइन के बेस पे किया जा रहा है। चाइना का कहना है कि ये जो मैकमोहन लाइन बनाई गई है ये पूरी की पूरी गैर कानूनी है, इलीगल है। तो ये हम समझाते हैं क्या बात है इस बारे में। तो देखिए इंडिया और चाइना के जो विवाद चल रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में, वो मैकमोहन लाइन के ऊपर ही चल रहे हैं। तो क्या होता है देखिए, 1913 और 1914 मतलब करीबन 110 साल पहले की बात है, उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश एम्पायर था यहाँ पे। तो इंडिया और तिब्बत शिमला में के ये मीटिंग करते हैं जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री क्या है, उस बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। तो उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर के सर हेनरी मैकमोहन थे, 1913 और 1914 उस समय देश आज़ाद नहीं था, तो उस समय ब्रिटिश एम्पायर था, सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने तिब्बत के साथ मिलकर शिमला कॉन्फ्रेंस किया और शिमला कॉन्फ्रेंस करते हुए बॉर्डर ड्रॉ कर दी, जो करीबन 890 किलोमीटर लंबी बॉर्डर थी। इस जो बॉर्डर आपको दिख ही रही होगी रेड लाइन में, इसी ये वही बॉर्डर है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया को चाइना से बांटने वाली थी। तो देखिए भूटान से शुरू होकर जो आखिर में नीचे तक म्यांमार है वहाँ तक आपको ये लाइन देखने मिलेगी। और चाइना का ये कहना है, जो ये पिछला ब्रिटिश इंडिया ने आपके सौदा किया था तिब्बत के साथ, ये बेढंगा है, ये इलीगल है। तो बस उन्होंने कहा कि ये जो सौदा है ये इलीगल किया गया था। और कुल मिला के जो चाइना की एक जो बार बार एक ही स्टेटमेंट दिया जाता है पिछले सालों से, वो एक ही स्टेटमेंट है कि जो तिब्बत है और जो तिब्बत है वो अरुणाचल प्रदेश एक ही हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए वो जो हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश का। हालांकि इंडिया की तरफ से क्लियर कट लाइन दी गई है तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है। हर बार बॉर्डर पे जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ तकलीफ देता ही रहता है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ सीरियस इश्यू होते रहते हैं। देखिए चाइना की सरकार ने कहा कि जो मैकमोहन लाइन है ये पूरी तरह से इलीगल है, ये बेढंगी अवैध तरीके से बनाई गई, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो तिब्बत का हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था, और चाइना यही क्लेम करता है कि पूरे पूरा अरुणाचल प्रदेश को हमारा हिस्सा दे दो, और पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत ये क्लेम करता है। तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा कैसे हुआ करता था। तो देखिए तवांग और ल्हासा दो बड़ी जगह या शहर समझ लो आप, दोनों में आपको मठ देखने मिलेंगे, जो बुद्धिज्म के मठ रहते हैं, मतलब मठ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो देखिए चाइना जो यहाँ पे मठों की बात कर रहा है वो बौद्ध मठ है, यही पूरा लॉजिक है इसके पीछे। देखिए ल्हासा आपको तिब्बत वाले रीजन में मिलने वाले, और जो तवांग है वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइना ने कहा कि यही सबसे बड़ा एविडेंस है कि जो मठ ल्हासा के अंदर मतलब तिब्बत के अंदर आपको देखने मिलते हैं, वही जो मठ है आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने मिल जाएंगे। तो यही एक बेसिक क्लेम के एक छोटी सा ये लॉजिक चाइना ने पेश किया है, कि यही हिस्टोरिकली बताता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का हिस्सा है। तो इसीलिए ये जो पूरी मैकमोहन लाइन है इसको एक इलीगल लाइन के रूप में चाइना कहता है कि ये जो सौदा था ये बहुत ही घटिया है, मतलब घटिया तो नहीं कह रहा है लेकिन कह रहा है कि ये इलीगल है और बेढंगा है। और हर बार चाइना की आर्मी वैसे आपको बताऊं कि जो मैकमोहन लाइन है इसके सौदे के पीछे ये हालांकि बात नहीं है, 1962 में ये मैकमोहन लाइन के चक्कर में बहुत बड़ी वॉर भी हो चुकी है इंडिया और चाइना के पीछे, और वहाँ पे चाइना ने थोड़ा बहुत हड़कंप लिया था, अपना क्लेम भी कर ही लिया था लगभग, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे सीज फायर किया और बाद में मामले को शांत किया। 1962 में हुआ थी ये वॉर, इस डेट को भी ध्यान रखेगा। और जो ये सौदा हुआ था मैकमोहन लाइन का, ये 1913 और 1914 में हुआ था, ये जो दो मेन आर्टिकल थे इस जो पूरे आर्टिकल में ध्यान रखने जैसे थे। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 1913 और 1914 ये जो दो डेट्स हैं जिस वक्त ये सौदा हुआ था, और सर हेनरी मैकमोहन इनके द्वारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था शिमला में,
ये इतनी आपको याद रखना था इस टॉपिक में, और इस मैग्मा ऑनलाइन किस तरफ है ये भी आपको मैप में दिख ही रहा होगा। इस लाइन को भी आप ध्यान रखिएगा, 980 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको ध्यान रखने जैसा है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि तिब्बत एक बहुत समय पहले अलग देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उसे क्लेम कर लिया और एक अपना रियासत समझ के अपना देश बना दिया। तो यही सब चीज़ें जी जो आपको यूपीएससी के हिसाब से काम आएगी, और इस पे ध्यान रखना, इस बारे में बेसिक अवेयरनेस भी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल की बातें हैं। चाइना जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, उस तरह चाइना कभी भी इंडिया पे भी कर सकता है। तो छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, इसको काफ़ी लंबे ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है इन देशों द्वारा। और चाइना वैसे भी काफ़ी समय पहले छोटा ही देश था, बाद में ये कब्जा कर करके इन्होंने अपने देश को इतना बड़ा बना दिया और इतना बड़ा लैंड मास खड़ा कर दिया है अपने देश का। तो इस वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, हम कमेंट में ही नीचे जवाब दे देंगे। और डोकलाम रीजन क्या है भूटान का, लगभग यही टॉपिक है, हम आपको इसके पार्ट टू में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो भी प्रेजेंट का ही टॉपिक है और वो भी यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी अच्छा गहरा टॉपिक है। और चाइना भूटान जिस तरह इस टॉपिक में चाइना तिब्बत इंडिया ये तीन हिस्से जुड़े थे, उसी प्रकार भूटान चाइना और इंडिया से जुड़ा ये जो नौटंकी चल रही थी हाल फिलहाल की बात है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं इसके पार्ट टू में। तो बने रहिए, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे।